भाई टोटली स्कैम मतलब समझ रहे हो ना, जबरदस्ती छिपाना तैयार है। ये जो है यहाँ की अनार चाय है, काफी फेमस चाय है भाई। ये पहली चीज मैं स्ट्रीट फूड ट्राई करने वाला हूँ, मुझे इसका नाम तो पता नहीं है। ब्रदर आई वांट दिस। और इसका टेस्ट देखते हैं कैसा है। टेस्ट अच्छा है तो भाई वाकई में 4 लीरा की कॉफी, व्हाइट कॉफी, मतलब यकीन मानिए ये सबसे सस्ती कॉफी पी रहा हूँ मेरे हिसाब से। आई गॉट इट। कैसे हो दोस्तों, एक नया दिन, एक नया सफर। फाइनली मैं हूँ इस समय इस्तांबुल में, और मेरे पीछे जो आप मस्जिद देख रहे हैं ना, ये है सुल्तान अहमद मस्जिद यानी ब्लू मस्जिद। और उस साइड जो आप मस्जिद देख रहे हैं ना, वो है हागिया सोफिया मस्जिद। और आज का दिन ना बहुत खास होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको घुमाने लेके जा रहा हूँ ना, वो है दुनिया की सबसे पहली और सबसे बड़ी कवर्ड मार्केट यानी ग्रैंड बाजार। और वहाँ का जो ब्लॉग है ना, ये बड़ा स्पेशल होने वाला है, तो ब्लॉग को शुरू करते हैं। तो अभी ना मैं जिस लोकेशन पर खड़ा हूँ ना, मेरे जस्ट सामने जो रास्ता गेट देख रहे हैं ना, ये ब्लू मास्क के लिए जाता है, ब्लू मस्जिद के लिए। ये यहाँ की एक मार्केट कह सकते हो आप। और ये जो देख रहे हैं ना, ये जर्मनी फाउंटेन है, ये देखिए ये वाला। और हम जो जा रहे हैं ना, वो इस रास्ते से जा रहे हैं। और आज इस ब्लॉग में जो हमारा साथ दे रहे हैं ना, ये जैद भाई दे रहे हैं। कैसे जैद भाई? आप बताइए। सब बढ़िया। कहाँ से हो आप बेसिकली? बेसिकली दिल्ली, न्यू दिल्ली से। यहाँ इस्तांबुल में रहते हो, पढ़ाई कर रहे हो? हाँ। कौन सी क्लास में? नाइन्थ में। तो आज इस ब्लॉग को आप बनवाने वाले हो, हैं? इन्फॉर्मेशन देने वाले हो, हैं? वेरी वेरी गुड। तो मैं एक्चुअली में इस्तांबुल में आया था, तो मैंने पैकेज लिया था। तो यस्टरडे क्या हुआ कि मुझे चेकआउट करना था, तो मेरे पास अचानक इनका मैसेज आता, जबकि मैसेज मेरे पास इनका बहुत समय से पड़ा था, क्या रहा भाई आप इस्तांबुल आए हो और आप हमारे यहाँ नहीं रुक रहे हो। तो इन्होंने मेरी डांट लगाई, फिर इनके फादर का फ़ोन आया कि आप जो है बैग लेकर के हमारे आ जाओ, जबकि मेरा खुद चेकआउट था तो मुझे तो रूम लेना ही था यहाँ। तो देखो ये प्यार होता है, ये दिल्ली से हैं बट यहाँ पढ़ाई करते हैं, इनके फादर भी यहाँ रहते हैं, बिजनेस है इनका। तो उन्होंने कहा कि बैग लेकर तुरंत मेरे पास आओ, यहाँ आके रहो, मतलब आप दिल्ली से आए हो यहाँ और यहाँ अगर आप होटल लोगे अच्छा नहीं है। तो मेरा जो टूर है लगभग 10 से लेकर 12 दिन का है, जिसमें 7 दिन का मैंने पैकेज लिया था, बाकी जो मैं घूम रहा हूँ वो खुद यहाँ पर रह कर घूम रहा हूँ। चलो मैं सामने का व्यू दिखाता हूँ, ये यहाँ का व्यू दिखाता हूँ। ये यहाँ की टर्की पुलिस है, और ये आप देख सकते हो मेहमत रास्ता है। और यहाँ का जो व्यू है ना, वो बहुत अमेजिंग व्यू होता है। तो भाई ये जो आप गली देख रहे हो ना, ये सबसे मोस्ट फेमस आप गली देख रहे हो, अक्सर आप रील वगैरह जो देखते हो ना, इसी गली के देखते हो। और ये जो है सोफिया गली के नाम से जानी जाती है, सुल्तान अहमद गली के नाम से भी जानी जाती है। मैं दिखाता हूँ यहाँ का व्यू आपको, ये देखो। और यहाँ पर जो चलता है ना, ट्रैम चलता है, लोग आई थिंक ट्रैम का ही लोग वेट कर रहे हैं, ये देखो। तो आपको ध्यान आ रहा होगा, देखो ये जो रास्ता है ना ट्रैम वाला, लोग ट्रैम का वेट कर रहे हैं, देखो इस इतने सारे लोग जो खड़े हुए हैं। और मैं इस पर स्पेशल एक ब्लॉग बनाऊंगा। और ये यहाँ की फेमस जो है गली है, सामने जो है हागिया सोफिया मस्जिद देख रहे हैं, ये देखिए। ये जो आप मशीन देख रहे हैं ना, यहाँ से इस्तांबुल कार्ड बनता है। और देखो एक चीज़ क्या अच्छी लगती है, कार्ड की स्पेलिंग, और ये कार्ड KARDT, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, ये दूसरी लैंग्वेज होगी आई थिंक मेरे हिसाब से, बट अच्छा लगता है। तो ये जो लोग वेट कर रहे हैं ना, ये सब जो है ट्रैम का वेट कर रहे हैं, और अलग ही फील आता है इस रास्ते पे। तो और ग्रैंड बाजार जो है ना, इसी रास्ते पे है आगे। ये भी ना एक अलग यूनिक एक एक्सपीरियंस है कि बीच में ट्रैम चल रहा है और साइडों में जो है लोग चल रहे हैं। और बीच में क्या होता है ना, जैसे मैं चल रहा था तो पुलिस वगैरह आ गई थी, तो वो ट्रैम उधर रास्ते आ चुका है, लोग उस पर बैठ रहे हैं, ये आप देख सकते हो। तो बहुत ज़बरदस्त व्यू है। और यहाँ की अगर मैं मौसम की बात बताऊँ तो इस समय ठंड है, अगर आप इस समय आ रहे हैं ना तो कुछ पहन कर आएँ, बुलन कपड़े लेकर आएँ। और यहाँ का स्ट्रीट फूड क्या है, उस पर भी मैंने ऑलरेडी ब्लॉग बनाया है। और यहाँ पर जो सबसे फेमस है ना, जो ब्लैक टी तो होती है, वाइट तो मतलब दूध वाली चाय तो लोग नहीं पीते हैं, इसके बाद जो पीते ना एप्पल टी और अनार टी, यहाँ की सबसे फेमस टी है। तो ये जो जगह है ना, यहाँ पर आप ओटोमन यानी पुराने टाइम के फोटो जो है खिंचवा सकते हो कपड़े पहन करके, ये सामने आप देख सकते हो। तो अभी और आगे चल रहे हैं। क्या मार्केट है यार, वाकई में गजब। यहाँ पे पता क्या है, देखो ये लाइट जल गई ना, इसकी पहचान ये है कि इस लाइन पे जो है ट्रैम आ चुकी है। देखो सामने से ट्रैम आ रही है इसी लाइन पे, तो मैं ये सोच रहा था यार बहुत देर से क्या इसकी पहचान क्या है, लाइट जल रही है यानी इस रास्ते पे इस लाइन पे ट्रैम आ रही है। देखो आ गई, वाह यार गजब।
यार ये तो भाई मेरे लिए बहुत अलग एक यूनिक एक्सपीरियंस रहा, और हर 15 मिनट में यहाँ पर ट्रैम जो है गुजरती है। तो अभी हम जो चल रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये सुल्तान महमद, यहाँ पर उनकी जो है कबर भी है, और ये है सेकंड। फर्स्ट तो मैंने आपको बताया था ब्लू मस्जिद, ये सेकंड। और यहाँ पर ये जो मस्जिद देख रहे हैं ना, इस पर जो कलर है मतलब पत्थर है ना, ये मकराना पत्थर है, क्योंकि यहाँ पर ना टाइल्स का बहुत बड़ा कारोबार है। तो फाइनली हमने रोड क्रॉस कर लिया है, और ये रास्ता जा रहा है ग्रैंड बाजार के लिए जा रहा है। ये देखिए, वाकई में यार भाई मैं तो यूरोप में आ गया, अलग ही फील हो रहा है भाई यहाँ तो। क्या मार्केट है यार, मतलब मैं जब तक दुबई यहाँ नहीं आया था ना, मैं दुबई को पहले नंबर पर रखा था। देखिए मैं गारंटेड पहले नंबर पर रखूँगा, क्योंकि सबसे सेफेस्ट लगी मुझे, और मतलब ओल्ड नहीं है बिल्कुल भी। जैसे आप यहाँ के महसूस करते हो ना, भले से इस्लामिक कंट्री है लेकिन आपको आज़ादी है, मतलब यू आर फ्री फॉर एवरीथिंग। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ लगी मुझे यहाँ पर। तो भाई यहाँ से ना अभी हम अंदर एंट्री करने वाले हैं ग्रैंड बाजार, जो कि काफ़ी ओल्ड है, ओटोमन एम्पायर उस दौर की है, यानी 600 साल पुरानी। तो ये आप देख सकते हैं जहाँ टर्किश में लिखा हुआ है ऊपर, नीचे ग्रैंड बाजार, जहाँ से हम अंदर चलने वाले हैं। और ये दुनिया की सबसे पहली और ओल्डेस्ट कवर्ड मार्केट है ये। भाई गजब, यहाँ पर चाय मिल रही है, बट अंदर पियेंगे अभी, चल रहे हैं। तो यहाँ से हमने एंट्री की है, देखो यहाँ भी ना काम चल रहा है ऊपर। तो ये आप देख रहे हैं ग्रैंड बाजार, जो कि इस्तांबुल में है। बाका यार गजब, बट ये मेरे साथ ही होता है, जब भी मैं आता हूँ ना तो यहाँ पर काम चल रहा होता है। अभी वहाँ गए थे हम दूसरी जगह, वहाँ भी काम चल रहा था। ये देखो पूरी कवर्ड मार्केट है ये। भाई रेट तो मुझे बहुत महंगा लग रहा है, 99 यूरो, मतलब आप 8500 रुपये का। चलो अंदर से जाके चल के देखते हैं। और यहाँ पर तो जो कलेक्शन है ना पूरा, तो ये जो है कपड़ों का ही है, ये वाला कलेक्शन जो है। तो भाई फाइनली ये आई है मेन मार्केट, ये देखिए क्या गजब व्यू है यार। ये गोल्ड बिल्कुल सेम ऐसे लग रही है ना, जैसे दुबई गया था मैं। तो ये गोल्ड है, ये है मार्केट ग्रैंड मार्केट। अच्छा इसका एक रास्ता ये भी है, कई सारे रास्ते हैं इसके। तो यहाँ पर ना ये फिक्स्ड प्राइस है, और लेकिन ये रहता यार हमारे का तो काम का नहीं, ये गर्ल्स के का है, सब का रेट अलग अलग लिखा हुआ है, 90 लीरा, 450 लीरा। ये परफ्यूम ऑयल हाँ ना, 150 लीरा में आप फोटो खिंचवा सकते हो, ओटोमन एम्पायर वाली फीलिंग ले सकते हो, और भी जितने भी सुल्तान रहे उनका। और यहाँ पे जो है काफ़ी मसाले हद तक जो है ओरिजिनल मिल जाते हैं, ऐसा दावा किया जाता है, वह तो देखेंगे हम। तो अभी ना हमें एक दुकान दिखाई दी है, यहाँ पर हम जो है देखने वाले हैं। ये देखिए मसाले भाई, ये मार्केट ना बहुत बड़ी मार्केट है, और मतलब इसके ना कई सारे रास्ते हैं लाइक दिस, इस तरीके से। और अभी जो हम जा रहे हैं ना, वो हम चाय का रेट पता करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ की जो फेमस चाय है ना ब्लैक टी के बाद, वो है एप्पल टी और अनार टी, उसका हम रेट पता करते हैं। तो अभी ना मैं कुछ कपड़े देखने वाला हूँ, क्योंकि कपड़े मेरे पास ख़त्म भी हो गए, अगर मुझे पसंद आए तो मैं ज़रूर लूँगा। यार कपड़े तो खैर मुझे अच्छे लग रहे हैं, बट रेट पता करता हूँ, रीजनेबल है ना ब्रदर? प्राइस 1200 लीरा, 1200 लीरा, 1200। भाई इस कपड़े के इन्होंने 800 लीरा बताए हैं, इसके 1200 लीरा बताए हैं, और मैं बताऊँ रेट ना बहुत महंगे हैं यार। मतलब 1200 लीरा समझ रहे, 12-15-60-6000 रुपये, बहुत महंगे हैं। जबकि ये चीज़ मैंने जब बुरसा में पता की थी ना, तो कोई 120 लीरा, कोई 200 लीरा, कोई 250 लीरा, रेट तो महंगे हैं यहाँ पर भाई कपड़ों के। तो अब मैं जो ना दूसरा रेट पता करता हूँ, कि कपड़े तो समझ गया मैं भाई, 4-5 दुकान पर घुमा। ये जो भाई है ना मेरा जैद, ये टर्किश बोल रहा है, तो इससे कुछ और रेट बता रहे हैं ये, और मुझसे कुछ और रेट बता रहे हैं ये, दोनों के रेट में ना काफ़ी डिफरेंट है। तो ये जो पूरी मार्केट है ना, ये कपड़ों की मार्केट है, और भाई बहुत महंगी है, बहुत अलग एक्सपीरियंस है। ये जो अच्छी लग रही है, इसका रेट पता करता हूँ। ब्रदर हाउ मच दिस? लीरा दिस? हाँ भाई ट्राई करके देख रहा हूँ मैं, मैंने इनसे रेट पता करा, रेट तो इन्होंने बताया नहीं, बोले पहले ट्राई करो, बोले प्रयोग करो, प्रयोग। थोड़ी बड़ी है, थोड़ी लॉन्ग तो बिस्ते गुड क्वालिटी, अच्छी तो लग रही है बट थोड़ी बड़ी है, बट कलर इन पे एक ग्लू भी अच्छा है, और ब्लैक कलर भी है, ब्लैक कलर भी है, दिस इज ब्लैक कलर, ये ठीक लग रही है मुझे।
प्राइस डॉलर लीरा नेवर यूज लीरा लीरा भाई ये कहते रहे हैं कि 2600 लीरा का है बट मेरे लिए 2250 लीरा का लगभग ये पड़ गया लगभग ये पड़ गया 10,000 रुपए के आसपास बट दिस इज अ कलम ज्यादा ओके नो नो ओहो ओके दिस दिस इज फ्री नो 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 हाउ मच लेस मनी अरे नो नो ब्रदर अरे नो दिस इज वेरी वेरी हाई भाई टोटली स्कैम मतलब समझ रहे हो ना जबरदस्ती छिपाना तैयार है और यहाँ पर मैंने सब पता क्या रेट है तो बोले 2600 का है आपको 2200 मिल जाएगा यानी इंडिया के लगभग हो गए 10,000 रुपये मतलब भाई ब्रांड कौन सा ये ब्रांड कोई सा भी ब्रांड नहीं है 10,000 रुपये कैसे मतलब ही नहीं यार पता है आपको बुरसा में ना 18,000 रुपये की मुझे लेदर जैकेट मिल रही थी ओरिजिनल तो रेट तो भाई महंगे हैं यहाँ पर कपड़ों के तो हिसाब से मुझे पसंद नहीं है अब हम देखते हैं और दूसरा कोई कपड़ा तो दिस इज़ एप्पल टी और ये यहाँ की बहुत मशहूर चाय है इसका टेस्ट तो मुझे अच्छा लगा क्योंकि बुरसा में मैंने पी थी यहाँ भी मैं रेट पता करता हूँ हाईएस्ट बहुत सुपर एक्सपीरियंस है क्या रेट हाउ मच इज माय गिफ्ट दिस इज गिफ्ट बट आई वांट टू टेक प्राइस 1780 1 किलो 780 यू हैव 25 ग्राम्स 250 ग्राम्स पैकेट प्राइस 180 मुझे बुरसा के रेट अच्छे लगे बुरसा में जो रेट है वो 250 ग्राम का जो पैकेट था वो 100 लीरा का था यहाँ पर जो है पहले ये 180 बोल रहे थे फिर 170 बोलने लगे फिर उन्होंने 140 लीरा बोल दिया अब यह है डिफरेंट भी है क्योंकि बुरसा थोड़ा सस्ता है यहाँ के मुकाबले इस्तांबुल थोड़ा महंगा है यहाँ पर 140 है तो एक पैकेट तो बनता है क्योंकि यार मैंने चाय पी ली तो एक पैकेट लेने वाला गिव मी वन पैकेट 250 ग्राम महंगा तो है बुरसा के मुकाबले बट मैं एक पैकेट ले रहा हूँ कि भाई की मैंने चाय पी है चाय फ्री है और अच्छी है मतलब मैं इसलिए ले रहा हूँ हेल्थ के हिसाब से भी अच्छी है हालांकि मेरे पास दो पैकेट पड़े हैं मैंने बुरसा से ली थी अगर आप आ रहे हो अगर बुरसा जाओगे तो फिर बुरसा से खरीदना इस्तांबुल ले रहे हो तो यहाँ पर मोल भाव करना मोल भाव करोगे तो आपको रेट ठीक ठाक मिल जाएगा ये जो है यहाँ की अनार चाय है काफ़ी फेमस चाय है भाई देख रहा हूँ टर्की में पहली बार एप्पल टी अनार टी इसका भी टेस्ट बहुत डिफरेंट है क्योंकि बुरसा में मैंने पिया था उसका अलग था यहाँ पी के देखता हूँ सुपर यार मजा आ गया एंड ब्रदर आई वांट टू टेक बोथ एप्पल एंड व्हाट द बिगेस्ट डिस्काउंट फॉर मी बिकॉज 140 तो ओनली गिव मी ओनली एप्पल ओके केवल आई गिव यू वन मोर फॉर माय ग्रेनेड्स नो ऑल 250 250 हाफ किलो एंड 250 ग्राम एंड 250 ग्राम फॉर माय ग्रेनेड्स रेट सॉरी प्राइस प्राइस 250 यानी 125 125 यस ओके ओके गिव मी तो ये क्या दोनों पैकेट के लिए राजी हो गए दिस इज माय ब्रदर आई मेक गुड डिस्काउंट कमिंग इंडिया या डेफिनेटली तो ये 125 लीरा भागा ठीक है यार क्योंकि बुरसा में सो था यहाँ इस्तांबुल में बट ये है कि मोल भाव करोगे ना तो आपको रेट अच्छा मिल जाएगा बट दोनों का टेस्ट बहुत लाजवाब है तो इसमें एक चीज और ये है कि आपको शुगर ऐड करने की जरूरत नहीं है ऑलरेडी इसमें शुगर है और आप डालना चाहो तो डाल सकते हो तो शुगर को अवॉइड करने के लिए मैं ये दो टेस्ट दे रहा हूँ क्योंकि ग्रेट टी कई बार पीनी जाती है ना तो आप एप्पल टी और ये पी सकते हो फैट लॉस के लिए और टेस्ट भी अच्छा है काफी अच्छा है तो दिस इज अनार टी ये अनार टी एप्पल एप्पल दिस ब्रदर दिस इज एप्पल आई हैव मैंगो ओके आल्सो लेमन एंड मिंट ओके ओके आई हैव ब्लैक बेरी आल्सो ओके आई हैव फोर काइंड दिस आर सो मेनी वैरायटीज यू कैन फाइंड देयर इंग्लिश देख रहे हो मेरी लव टी ब्रदर फॉर रोमांटिक नाइट ओह दिस इज लव टी मतलब इसका अलग ही रिलैक्स फील हो रहा है तो भाई ये है 250 लीरा ओके थैंक यू Nice meeting you. You're come back India. Yeah, inshallah. I make good price. Yes. तो भाई रेट हमें अच्छा मिल गया मोल भाव करोगे ना तो रेट आपको अच्छा मिलेगा बाकी ना यहाँ का ना स्कैम ज्यादा है बट मोल भाव करोगे ना अच्छा रेट मिल गया बुरसा में 100 का था ये 100 लीरा का यह 125 का मिल गया तो दोस्तों अभी हम जो है ग्रैंड बाजार से आ चुके हैं और ग्रैंड बाजार में मैंने आपको अपना एक्सपीरियंस बताया अभी जो हम जा रहे हैं ना वो सामने इस्तांबुल की जो मेन बाजार है जो सबसे ज्यादा आप जब रील देखते होगे तो सबसे ज्यादा वीडियो जो वायरल होती है वो हाँ यहाँ से होती है तो मैंने सोचा यहाँ का भी एक्सपीरियंस करा देता हूँ आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ इस ये जो ग्रैंड बाजार है ना
ये दुनिया की पहली ओल्डेस्ट और सबसे बड़ी कवर्ड मार्केट है। 61 गलियां हैं, 4000 से ज़्यादा दुकान है। एक्सपीरियंस मैंने आपको बता दिया, मोल भाव ज़्यादा से ज़्यादा करो। अगर इंडिया से हो ना तो मोल भाव करना तो आपका हक है। इतना मोल भाव करो, इतना करो किसी ने सोची ना होगी। तो अभी वहाँ से आए हम और वहाँ का रेट बताया। अभी जो हम दिखाने वाले हैं, यहाँ की मार्केट दिखाने वाले हैं, यहाँ पर जो पैसे चेंज होते हैं। यहाँ रात आया था तो मैंने रेट ट्राई किया था, काफ़ी अच्छा रेट है और नो कमीशन, यहाँ से पैसे चेंज कर सकते हो। क्योंकि हमें जो है भूख लग रही है, कुछ स्नैक्स भी हम लेने वाले हैं। ये टर्किश बाथ है, हमाम है, बट ये मैंने पैकेज लिया, मैं दूसरी जगह से करूँगा। ये यहाँ पर आप मार्केट देख सकते हो, ये ट्रैम्प है। और मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जिस लोकेशन पर खड़े हैं ना, यहाँ पर आपको बहुत सारी मस्जिद मिल जाएंगी। 7 मस्जिद, देखो एक मस्जिद सामने है, इधर एक, उधर है एक, इधर है। ये ट्रैम्प, ये वाला रास्ता आप सबसे ज़्यादा फेमस रास्ता देखते हो, जहाँ से वीडियो वायरल होती हैं। और ये देखिए, यहाँ पर बैग वगैरह जो है मिलते हैं। अभी मैं किसी दुकान पे जा कर के रेट पता करता हूँ। मौसम की बात करूँ तो मौसम यहाँ चेंज होता रहता है, मतलब ऐसा लगेगा 1 घंटे पहले बरसात हो रही थी और अब यहाँ बिल्कुल बरसात हो ही नहीं रही है। यहाँ पर रेट लगे हुए हैं, देखो कॉफ़ी कप जो है 55 लीरा है। और ये देखिए, मतलब अगर आप ये लेते हो तो 55 लीरा का आपको पड़ेगा। आगे जूते का रेट पता करता हूँ मैं। हाँ, ये जो जूता है ना, ये 500 लीरा का रेट बताया इन्होंने इसका, तो लगभग वही हो गए 2200-2300 रुपये इंडिया के। और अभी और पता करता हूँ मैं, ये देखिए। तो भाई अभी है ना, हम अंदर जा रहे हैं और यहाँ कुछ रेट पता करने वाले हैं हम, जैकेट वगैरह के, टी शर्ट के। ब्रदर व्हाट प्राइस? प्राइस 2000। तो ये बता रहे हैं 2000 लीरा का, यानी ये हो गए 2×8 लगभग 9000 रुपये के आसपास। भाई आपको लग रहा है कि रेट वर्थ है? आप खुद बताइए मुझे। और मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, अभी यहाँ के जो रेट है ना, वो आपके लैंग्वेज पे डिपेंड करते हैं। अगर टर्किश लैंग्वेज बोलोगे ना तो यही 1200 रुपये या 1100 हो जाएगी, और यही आप इंग्लिश बोलोगे तो ये 2000 हो जाएगी। ये और दूसरी लैंग्वेज बोलोगे तो रेट बढ़ते रहते हैं। तो यहाँ पर ये स्कैम है, इस चीज़ का ध्यान रखें। अभी हम यहाँ पर लोकल फूड है ना, वो हम ट्राई करने वाले हैं, यहाँ के जो 2 फेमस लोकल फूड है। ये ट्रैम वाला रास्ता है, और एक तो ये है देखो भुट्टा, ये तो हम खाते ही हैं, बट आगे जो है ना वो देखते हैं क्या है। तो यहाँ पर ये ना, ये लोकल फूड है, इसका नाम तो मुझे पता नहीं है, बट हम ट्राई करने वाले हैं। देखो ये आई थिंक महंगा होगा हिसाब से, 5 लीरा में भी है, 10 लीरा में भी है, तो हम ये लेने वाले हैं। तो भाई ये जो है ना, ये 5 लीरा का है, और ये जो है 15 लीरा का है, और ये 15 या 10 लीरा का है। तो ये ट्राई करने वाले, प्लीज आई वॉन्ट दिस। भाई ये पहली चीज़ मैं स्ट्रीट फूड ट्राई करने वाला हूँ, मुझे इसका नाम तो पता नहीं है, बट खाने वाला हूँ। इसका टेस्ट ऐसा है, जैसे सऊदी अरब में जाओगे ना आप, तो वहाँ पर क्या होता है, जब अफ्तारी में ना आपको एक रोटी मिलती है और दही मिलता है, आप दोनों को मिक्स करके खाओगे ना तो बहुत टेस्ट आता है। तो भाई मैंने इसका नाम पूछा तो बताया सिमित नाम बताया इसका इन्होंने। विदाउट, अगर इसके लोगे आप चॉकलेट के तो ये 5 लीटर का है, इसके लोगे तो 15 लीटर। बस एक बार आपको ट्राई करना चाहिए, अच्छा है, पेट भर जाएगा। टेस्ट सही है, एवरेज है, लेकिन यहाँ भी स्कैम है। ये एक्चुअल में 10 उसका था, लीरा का था, बट वही चीज़ है कि हमें लैंग्वेज आती नहीं, तो हमें 15 का दे दिया। अब लड़ तो सकते नहीं। एक फूड हो रहा है स्ट्रीट फूड जो मैं ट्राई करने वाला हूँ, दिखाता हूँ आपको। तो हम यहाँ पर आए हैं, तो कोई ये तो हम खाते हैं। ब्रदर आई वॉन्ट दिस। भाई इसका जो रेट है ना, ये है 100 ग्राम 25 लीरा। यस 100 ग्राम। व्हाट इज दिस, क्या नाम है इसका? नेम ये है किस्तान केबाब। केबाब इसका नाम है, किस्तान केबाब, नाम पढ़ सकते हो किस्तान केबाब। ये 100 ग्राम जो दिया है 25 लीरा का दिया है, ट्राई करते हैं टेस्ट कैसा है। तो भाई ये हमने ले लिया है और इसका टेस्ट देखते हैं कैसा है। टेस्ट अच्छा है और गर्म है, हॉट है, जाड़ों के हिसाब से बढ़िया है, ठंड लग रही थी, ठंड गायब हो गई। इसको सेकते हैं, उसका ऊपर का जो कवर है देखो ये उतर जाता है, इसके बाद ये बचता है, ये खाना होता है।
अगर मैं इसके टेस्ट की बात बताना, टेस्ट ऐसा है जैसे इंडिया में सिंगाड़े खाते हो ना, जब उसको उबाल लेते हो, सेम ऐसा टेस्ट लग रहा है। मतलब यूनिक टेस्ट है, वर्थ है, दोनों चीज़ वर्थ है। यहाँ का लोकल स्ट्रीट ना जो हमने पहले खाई थी और ये भी खाई, दोनों अच्छी है, टेस्ट अच्छा लगा। भाई अभी हमने खा लिया, उसके बाद यहाँ पर देखोगे ना 4 लीटर की कॉफ़ी मिल रही है वाइट, ये हमारे लिए बहुत अच्छा है, बर्गर किंग है। और ये वाकई में अगर रियल है ना, सच बात है, तो बहुत अच्छा टेस्ट होने वाला है, क्योंकि 4 लीरा में वाइट कॉफ़ी नेस्कैफे, गजब यार। तो भाई वाकई में 4 लीरा की कॉफ़ी, वाइट कॉफ़ी, मतलब यकीन मानिए ये सबसे सस्ती कॉफ़ी पी रहा हूँ मेरे हिसाब से। और ये जो लोकेशन आपको बताइए, सबसे मेन स्ट्रीट है ये, हागिया सोफिया वाली मस्जिद वाली स्ट्रीट है, गजब यार, गजब। तो भाई यहाँ तो टेस्ट बनता है आपका, पता हमने अंदर कॉफ़ी पी ली, कोई 6 लीरा, कोई 8 लीरा, 10 लीरा। कल हमने जो बोरसा गए थे तो वहाँ पर ब्रेकफास्ट किया था, तो वहाँ पर उन्होंने हमें जो वाइट चाय दी थी वो हमारी थी 20-20 लीरा की, तो वही मज़ा आ गया। 4 लीरा खुला रेट है, आप पी सकते हो बर्गर के। उससे आगे चलोगे ना, यहाँ पर टर्किश आइसक्रीम है जो आप डिज़ाइन देखते हो, तो चलो आज हम पहली बार इस डिज़ाइन में हम आइसक्रीम खाने वाले हैं। करीब में I got it. So, 50 lira? Yes. Okay. This is 50 lira. The taste अच्छा है, देखते हैं खा के कैसा लगता है। ठंडी है भाई, बहुत ठंड में ठंडी, और ठंड में ठंडी खा रहे हैं हम। मुझे डर लग रहा था कि यार मुझे कल झूठा रिव्यू नहीं देना पड़े, बट मैं ऑनेस्टली बताऊँ 5 में से 5 नंबर दूंगा। तो भाई ये एक्सपीरियंस ना यूनिक था। और मैं जब कैपोडोसिया गया था ना, तो वहाँ मैंने आइसक्रीम ली थी, तो वहाँ मुझे उन्होंने उनका जो कम से कम प्राइस था ना वही 65 था। ये भी हो सकता है कि वहाँ पर पोज एरिया हो, बस इस्तांबुल से महंगा तो कोई सिटी है नहीं, कैपोडोसिया तो इस्तांबुल के मुकाबले सस्ता है, तो यहाँ मुझे रेट सही मिला। तो मैंने दोनों एक्सपीरियंस दिखाया आपको, ग्रैंड बाजार का भी दिखाया और ये वाली स्ट्रीट का दिखाया। ये ट्रेम आ रही है, चलो मैं खाता हूँ, उसके बाद फिर और एक्सप्लोर करता हूँ। तो यहाँ पे ना आगे देखो हेयर कटिंग है, अभी मैंने रेट पता किए थे तो इन्होंने रेट बताए कि सेविंग के जो रेट बताए हैं इन्होंने 150 बताए हैं, और बाल काटने के जो बताए हैं इन्होंने वो 300 बताए हैं। 300 ना फॉर हेयर कटिंग, यस, एंड सेविंग 150। ओके, तो आप ये देख सकते हो 150 लीरा यानी 640 रुपये हो गए सेविंग के इसके, और बाल काटने के तो दुगने यानी 1280 रुपये हो गए बाल काटने के। भाई ये तो मेरे हिसाब से तो ज़्यादा है भाई, हो सकता है इस्तांबुल में ज़्यादा मिल, लेकिन वही बात है ना, मोल भाव करोगे ना, मोल भाव बहुत चलता है भाई यहाँ, मतलब मोल भाव इतना चलता है। मुझसे बोले हिंदुस्तान, मतलब यस, शाहरुख खान यस, मतलब रेट बताओ, मैंने सर रेट कम करेंगे, बोले 150 ले रहा है। अरे मतलब भाई ये शाहरुख खान का नाम गलत ले लिया हमने। यहाँ पर देखो एक फोटो है, ओटोमन फोटो प्लेस, और यहाँ मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, फोटो खींचने कितने रुपये ले रहे हैं, एक फोटो 8 यूरो यानी 640 रुपये, 8×64 रुपये एक फ़ोटो खींचने के, देख रहे हो। तो चलो यहाँ पर लास्ट एक रेट और पता करते हैं। यहाँ पर जो है देखो चिकन शोरमा मिल रहा है, इसका रेट पता करते हैं, वो आई थिंक रेट थोड़ा कम्फर्टेबल ही हो। वरन रेस्टोरेंट, तो भाई रेट इसके बताऊँ क्या है, ये चिकन है, उधर तो आप देख रहे हो मीट है, और इसका रेट मैं अभी आपको बताता हूँ। भाई चिकन रोल जो है वो सबसे छोटा जो है 85 लीरा का है, दूसरा 100 लीरा का है, तीसरा है 135 लीरा का है, तो सोचिए रेट क्या हो गया। रेट तो खैर वो इस्तांबुल है, इसके हिसाब से रेट है, क्योंकि यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं तो उसके हिसाब से रेट है, बट मेरे हिसाब से ये तो कॉस्टली है। ये देखिए, तो दोस्तों मैं लगभग मार्केट से बाहर आ चुका हूँ, मार्केट ही चल रही है पूरी की पूरी, और सामने देखोगे हागिया सोफिया का रास्ता है वो जो सीधा जा रहा है, तो मैं ट्रैम वाले रास्ते पर चला गया था। देखो ये जो रास्ता ना ट्रैम के अंदर का है, और अगर आप पैदल जा रहे हो तो आपको इस रास्ते पर आना है, तो ये भी एक यूनिक सा एक्सपीरियंस है, इस सड़क पर ट्रैम भी चल रही है, उसी पर जो है कार भी चल रही है, भाई मेरे लिए तो नया है।
तो यहाँ पर मैंने आपको रेट ओवरऑल बता दिया। स्ट्रीट फूड तो सस्ता है और उसमें कुछ चीज़ें हैं, और स्पेशली जो ग्रैंड बाज़ार है उसका रेट बता दिया। मोल भाव बहुत करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा। तो अभी मैं इस ब्लॉग का एंड कर रहा हूँ, और आई होप ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। और ये जो मैंने मार्केट दिखाई थी आपको ग्रैंड बाज़ार, ये 600 साल पुरानी और दुनिया की सबसे बड़ी और कवर्ड मार्केट मैंने आपको दिखाई थी। अब मैं इस ब्लॉग का एंड करता हूँ, अल्लाह हाफिज़। अपने ख्याल रखें, यूट्यूब पर देख रहे हो तो फेसबुक का पेज है हमारा अरबाज़ ब्लॉग के नाम से, फेसबुक पर देख रहे हो तो यूट्यूब पर चैनल हमारा अरबाज़ ब्लॉग के नाम से, वहाँ सब्सक्राइब कर सकते हो। अल्लाह हाफिज़, अपने ख्याल रखें।